हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कोरिलेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। कोरिलेशन जो आपके स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक होता है, तो कोरिलेशन जो होता है वो दो वेरिएबल में बताता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। एक्स और वाई दो दिए हुए हैं, एक्स और वाई और उन दोनों के जो है आपको अमाउंट दी हुई है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस होती है कि आपको एक्स निकालना पड़ता है, एक्स दिया हुआ होता है, एक्स से आपको एक्स बार निकालना पड़ता है, एक्स बार से उसका जो है वो वेरिएशन निकालना होता है, डिवेशन निकालना होता है, डिवेशन का स्क्वायर निकालना पड़ता है। इसी स्टाइल से वाई और वाई का वाई बार से डिवेशन निकालना पड़ता है और डिवेशन का स्क्वायर और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक्स के फैक्टर लिख रही हूँ, टू है, थ्री है, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ये जो हमारे एक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, एटलीस्ट मुझे इनकी सम करनी पड़ेगी, मुझे इन सबको सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं इन सभी को ऐड करती हूँ तो इनकी टोटल निकल करके आती है मेरे पास 35। उसको मैं बोलती हूँ समेशन एक्स। तो समेशन एक्स जो है वो मेरे पास निकल करके आता है 35 का। 35 का मेरा क्या आ गया, इन सभी की टोटल करने पर समेशन एक्स आ गया। तो यहाँ पर मुझे एक्स बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स अपॉन एन, इस स्टाइल से मुझे एक्स बार को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्स बार मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स मेरा 35 आया था, और अगर मैं इनकी वो करती हूँ काउंटिंग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मुझे इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा 5 जो है वो एक्स बार निकल करके आ जाएगा। तो समांतर माध्य जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पर मुझे डेविएशन निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि हर में से मुझे समांतर माध्य को माइनस करना है। तो -5, -5, -5 इन सब में से हो जाएगा। तो जब मैं 2 में से माइनस करूंगी -5, तो मेरा आंसर बचेगा -3। 3 में से मैं माइनस करूंगी -5, तो मेरा आंसर बचेगा -2, -1, 0, +1, -+2 और +3। अब अगर मैं इन दोनों की टोटल करती हूँ, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के भी 6 और प्लस के भी 6, तो यहाँ पर मेरी जो टोटल होगी वो जो होगी समेशन एक्स की, अगेन ये तो एन कहलाता है, इसको हम एन बोलेंगे, और ये कहलाएगा समेशन एक्स, और ये होगा मेरा 0। ये मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा डिवेशन का जो निकल करके आएगा। अब मुझे इसको इसी से माइनस करना है, तो ये हो गया मेरा 0, 1, 4 और अगेन 3, 3 जा 9। तो अगर मैं इसकी समेशन एक्स स्क्वायर को निकालती हूँ, तो समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा 14, 14, 28। समेशन एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 28। अब इसी स्टाइल से मैं वाई को लिखूंगी। ये थे वाई, सबसे पहला है 4, फिर है 7, उसके बाद है 8, फिर है 9, उसके बाद है मेरा 10, उसके बाद 14 और नेक्स्ट 18। 14 और 8 हो गया 18। अब मुझे वापस इन सब की टोटल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, इस स्टाइल से समेशन वाई जो होगा वो लार्ज में लिखा जाएगा, और मैं जब इन सब की टोटल करती हूँ तो ये मेरे निकल करके आते हैं 70। अब मुझे यहाँ पर वाई बार निकालना पड़ेगा। जैसा पहले मैंने एक्स बार निकाला, अब मैं वाई बार निकालूंगी। तो समेशन वाई कैपिटल में आएगा अपॉन एन। वाई मेरा कितना आया था, 70, तो मैं 70 को 7 से डिवाइड करूंगी, तो वाई बार मेरा निकल करके आएगा 7। अब मुझे यहाँ पर सभी में से -7 करना है। यहाँ मुझे क्या करना है, इन सब में से क्या करना पड़ेगा, -7, -7, -7 इस स्टाइल से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा मेरा माइनस का 3, फिर 0, फिर 1, 2, अगेन 3, 7 और 1। इस स्टाइल से ये मेरे निकल करके आएंगे। देखिए, वापस बता रही हूँ, यहाँ पर आपको y बार निकालना पड़ेगा। y बार के लिए समीशन y अपॉन n होगा, ये है 70 अपॉन 7, देन अपना ये आएगा 10। y बार जो आएगा मेरा 10 आएगा, तो मुझे इन सभी में से -10 करना पड़ेगा। सभी में से 4 में से -10, 7 में से -10, 8 में से -10, 9 में से -10। तो जब मैंने 4 में से -10 की, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई बार, वाई बार मीन्स ये हो गया समांतर माध्य y का। तो यहाँ पर मेरे बचेंगे माइनस के 6, यहाँ पर बचेंगे मेरे माइनस के 3, यहाँ पर बचेगा मेरा प्लस का 1, सॉरी प्लस के माइनस के 2
और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ प्लस के 4 और यहाँ पर अगेन जो है वो माइनस के 2 बचेंगे मेरे। तो मुझे अब इनकी टोटल करनी पड़ेगी और इनकी टोटल में से मुझे लेस करना पड़ेगा। तो 6 और 3 9, 10 11 और 12 13 और 14, 14 में से अगर मैं जब इसको माइनस करती हूँ, यहाँ मेरा था क्या 8 जो थे मेरे, यहाँ सॉरी 18 थे, 18 में से 8 गए तो यहाँ बचे मेरा 10। तो 14 और 14 भी माइनस के और प्लस के भी 14, तो ये मेरी टोटल आ गई 0। ये मेरी टोटल क्या आ गई 0, ये मैंने यहाँ से 18 की जगह 8 उतार ली। अब हम क्वेश्चन करते हैं आगे। तो अब मुझे इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे क्या आए थे, माइनस के 10 करने पर 6 आए थे, तो 6 का स्क्वायर लिया तो 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 0, 4 4 जा 16 और यहाँ पर हो गए मेरे 8 बचे थे, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, देख लीजिए, 4 में से माइनस 10 करना है, 7 में से भी माइनस 10 करना है, 8 में से भी माइनस 10 करना है, 9 में से भी माइनस 10 करना है, 10 में से माइनस 10 करना है, 14 में से जब किया तो ये, और यहाँ है 18, 18 में से जब मैं माइनस 10 करूँगी तो मेरा बचेगा 8 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। 8 किसका होगा, मेरे पास प्लस का होगा, तो 8 8 जा 64 हो गए। अब यहाँ पर x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तो है मेरा x और ये है मेरा y। माइनस के 3 को माइनस के 6 से, माइनस के 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 6 से, तो आ गया 18। उसके बाद माइनस के 3 को माइनस के 2 से, तो आ गया 6। माइनस के 2 को माइनस के 1 से, तो आ गया 2। माइनस के 1 को 0 से, तो 0। उसके बाद 0 को 1 से, अगेन 0। उसके बाद 4 को मैंने किया इस 2 से, ये 4 और ये आपका 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। और अगर 3 को मैं 8 से करती हूँ तो ये हो गया 24। तो 18, 6, 2, 0, 0, 8 और 24, इन सब का समेशन करेंगे तो ये निकल करके आएगा समेशन x और y। तो समेशन एक्स वाई होता है मेरा यहाँ पर 58 के करीब होता है, और ये समेशन वाई स्क्वायर जो था मेरा वो था 130 के करीब। तो ये सारी अपने पास चीज़ें निकल के आ जाती है। अब मुझे निकालना है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जो है वो R इज इक्वल टू ई एक्स वाई सबसे पहले, उसके बाद अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है समेशन वाई स्क्वायर से, और ये आपका निकल करके आ जाएगा इस तरह से फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले क्या निकल करके आया, एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पर क्या था अपना 58, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 58। उसके बाद अंडर रूट, अंडर रूट में मुझे क्या लिखना है सिग्मा, ये एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो गए आपके 28, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 28। उसके बाद यहाँ पर था ये ई वाई स्क्वायर, ये था आपका 130। ई वाई स्क्वायर जो था वो था 130, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 130। अब आपको इसको पूरे को सॉल्व करना है, तो ये आएगा 58 अपॉन आपका आ जाएगा अंडर रूट 3.64 समथिंग निकल करके आएगा, जब सॉरी 3640 का जब हम अंडर रूट निकलेंगे तो वो निकल करके आएगा 60.33 समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करना है 58 को, इस डिजिट को इसको डिवाइड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये डिजिट आता है, इसको आप जब इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा 0.96। देन देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, 96 आंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब x और y इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो पावरफुल रिलेशनशिप है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका यही कोफिशिएंट का, फादर्स और सन्स की एज का है। फादर की एज दे रखी है और सन की एज दे रखी है, और आपको इनके बीच का कोरिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इसमें फादर की एज, तो फादर की एज जो आपको दे रखी है वो है सबसे पहले 21, 22, 28, 32, 33, 36,
36 ये है आपको फादर की एज दे रखी है। अब इन सभी की आपको टोटल करनी है, तो वो टोटल निकल करके आएगी समेशन एक्स जो है वो आपकी आएगी। तो इन सभी को आप पहले टोटल कर लीजिए, तो ये निकल करके आ गई 174 इन सभी की टोटल। तो सबसे पहले हम एक्स बार को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स अपॉन एन। 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट है आपके पास, तो इसको 174 को हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 29। x बार जो है आपका 29 निकल के आ गया। तो यहाँ पर हम जितने भी ये x हैं इसमें से माइनस करते जाएंगे 29 को, क्योंकि ये हमारा x बार है। x बार इज इक्वल टू यहाँ पर क्या 29। अब 21 में से माइनस कर दीजिए 29 को तो बचा माइनस का 8। 22 में से माइनस कर दीजिए 29 को तो आपके पास बचा माइनस का 7। उसके बाद इसमें से माइनस का 1। 32 में से माइनस करेंगे 29 तो आपके पास बचेगा 3। उसके बाद आपके पास बचेंगे प्लस के 6 और नेक्स्ट आपके पास बचेंगे प्लस के 7। तो यहाँ पर 13 14 15 16 16 माइनस के हैं और 16 ही प्लस के हैं, यानी कि 0। देखो 16 ये हो जाएंगे 8 7 और 1 माइनस के, यहाँ पर इनको ऐड किया तो ये आपका जो निकल करके आएगा सिग्मा एक्स वो आपका 0 निकल के आएगा। अब आपको इसका स्क्वायर करना, जो एक्स आया उसी का स्क्वायर करना, यानी कि 64 7 7 जा 49 1 3 3 जा 9 6 6 जा 36 7 7 जा 49, और आपको वापस इन सब की टोटल भी करनी है। तो इन सब की टोटल करेंगे तो वो आएगी समेशन एक्स स्क्वायर, ये आई 208 निकल के आ गई। ये बात खत्म हो गई। अब वाई निकाल लो। वाई है आपका सन। सन कितने का है, पहला है 18 का, दूसरा है 20 का, तीसरा है 25, फिर 30, फिर 31 और 32। इन सब की वापस हम टोटल करेंगे तो वो टोटल कहलाएगी समेशन वाई जो है वो आपकी टोटल कहलाएगी। और समेशन वाई जो आपका निकल करके आया वो आया आपका 156 निकल करके आया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वाई का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई अपॉन एक्स कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये आपका निकल के आया था 156 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो 156 को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो ये निकल के आता है 26। तो वाई बार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 26, यानी कि इन सब में से हमें 26 को माइनस करना है। तो पहले 18 में से किया तो ये निकल करके आया माइनस का 8, फिर आया माइनस का 6, फिर आया माइनस का 1, उसके बाद आ गया आपके प्लस के 4, फिर आ जाता है प्लस के 5, उसके बाद आ जाता है आपके पास प्लस के 6। तो अब इनकी भी टोटल करी 15 और ये भी 15, यानी कि ये वापस आ गया आपके 0 निकल के आ गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, 8 8 जा 64 6 6 जा 36 1 16 25 एंड 36। वापस आपको इन सभी की टोटल करनी पड़ेगी। तो ये आया आपका समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 178 जो है वो आपकी टोटल निकल के आएगी। अब इस y को और इस x को, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, माइनस और माइनस है, प्लस में कन्वर्ट हो गए 64, माइनस और माइनस है 7 6 जा 42, प्लस में कन्वर्ट हो गए 1 1 1 ही रहेगा, 4 3 जा 12, 6 5 जा 13, 7 6 जा 42। तो इस स्टाइल से इसकी टोटल जो हो जाएगी लास्ट में आपकी वो कहलाएगी समेशन एक्स और वाई, और समेशन एक्स वाई हो गया 191। वापस आपको वही कोरिलेशन निकालना है, फॉर्मूला वही लिखना है, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट लगाना है, समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है आपको इसको समेशन वाई स्क्वायर से। यही इसका फॉर्मूला है। एक्स वाई आपने यहाँ देखा 191 है, 191 को ऊपर लिखेंगे, ये लगाएंगे, इसकी टोटल जो थी आपकी वो आई 208। तो यहाँ पर लिखोगे 208 मल्टीप्लाई करोगे, इसकी टोटल आई है 178, तो इसको लिख दोगे यहाँ पर 178। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 191 अपॉन आपका ये, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये निकल करके आया 37024, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये निकल करके आएगा वो आपका 192 point something, इट मीन्स 999 निकल के आएगा। इट मीन्स जो आपका कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है,
और यहाँ पर जो है इन दोनों में जो है रिलेशनशिप है एक्स और वाई में। देख लीजिए इस स्टाइल से ये पूरा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर वापस जो है एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है, एज ऑफ वाइफ दी हुई है, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है। तो सबसे पहले एज ऑफ हस्बैंड लिखेंगे, 21 है, 23 है, 26 है, 29, फिर 33, 34, 34 के बाद है 35 के बाद है 39, उसके बाद है 45 और लास्ट है 50। ये सारी हस्बैंड की एज दी हुई है। सारे हस्बैंड की जब हम टोटल करते हैं तो ये निकल करके आती है समीशन एक्स, और ये निकल कर आती है 335। जब ये निकल करके आ गई तो आपको सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा इसमें। तो एक्स बार जो होता है आप एक एज्यूम्ड मीन मान करके भी निकाल सकते हो कि यहाँ पर ये टोटल आ गई। अब सपोज कीजिए कि इसमें कुछ अपन एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, और एज्यूम्ड मीन लिया गया है इसमें, एज्यूम्ड मीन जो लिया गया वो 33 को ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन किसको लिया गया है, ए इज इक्वल टू आपका है 33। 33 को आपने एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो एज्यूम्ड मीन में आप इन सभी को, सभी में से 21 में से माइनस करेंगे आप 33। 21 में से जब माइनस किया 33, तो ऐसा भी कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन लेकर के भी आप निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक्स बार निकालना पड़े। ये हो गया माइनस, ये इसमें से निकाला तो ये हो गया आपके माइनस के 10, फिर हो गए माइनस के 7, नेक्स्ट हो गया माइनस का 4, उसके बाद वापस 0, प्लस का 1, प्लस के 2 के बाद ये यहाँ पर जो है आपका प्लस के यहाँ पर निकल करके आया 32। अब इसमें से मगर माइनस किया तो निकल करके आया 6, उसके बाद अगर मैं 45 में से माइनस करूँगी इसको तो 12, और फिर आएगा मेरा 17। अब मुझे इन सब की टोटल करनी है, तो अगर मैं माइनस के डिजिट की टोटल करती हूँ तो 22 और 11 33 निकल करके आता। माइनस के डिजिट आते हैं मेरे 33, और मेरे प्लस के डिजिट जो है वो आते हैं यहाँ पर 38। प्लस के डिजिट कितने आ रहे हैं, 38, तो रियल में जो डिफरेंस होगा वो 5 का होगा, तो ये कहलाएगा समेशन एक्स कहलाएगा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, 12 जा 144, 10 जा 200, 10 जा 100, 77 जा 49, 44 जा 16, 0, 1, 4, 36, 12 जा 144 और 17 जा 289। ये जो हो गया वो मेरा क्या हो गया, वाई का स्क्वायर हो गया, जो ये निकाला था उसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर की वापस टोटल करूंगी तो वो टोटल कहलाएगी समेशन एक्स स्क्वायर। ये टोटल जो है वो मेरी निकल करके आएगी 7, 8 और 3 जो है वो मेरी टोटल इनके बिहाफ पर निकल करके। अब मैं वापस वाइफ की एज को लिख लेती हूँ। एज से सबसे पहले 17, उसके बाद 19, 22, 25, 30, 34, 31, 35, 40 एंड 45। ये जो है वो वाइफ की एज है। वाइफ की एज में जो एज्यूम्ड मीन लिया है वो लिया मैंने 31 को, कि वाइफ की एज जो है वो 31, एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं। तो 17 में से जब मैं 31 को माइनस करती हूँ तो माइनस के 14, माइनस के 12, 22 में से माइनस किया जब मैंने 31 तो मेरे निकल करके आएंगे माइनस के 25 में से माइनस किया 31 तो निकल करके आ गए 6, 30 में से माइनस किया तो माइनस का 1, यहाँ पर 34 में से जब मैं माइनस कर देती हूँ यहाँ पर मेरे क्या थे 25, 30 और 31 और 31, 31 में से जब माइनस करती हूँ 31 तो 1, 31 में से वापस माइनस किया तो ये, 35 में से जब मैंने 31 को माइनस किया तो बचा 4, और उसके बाद जो मेरे पास बचा वो थे 9 और लास्ट में बचे 14। इनकी टोटल करती हूँ मैं ऊपर वालों की तो निकल करके आते हैं माइनस के 42। माइनस का डिजिट है मेरा 42 और मेरे प्लस के आते हैं 27। प्लस के डिजिट आते हैं मेरे 27, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस के 15 जो है वो आएंगे समेशन इसमें वाई में, समेशन वाई में आएंगे। अब मुझे इनका लेना है अंडर रूट। माइनस के 14 को माइनस के 14 से मल्टीप्लाई किया 96, 144, 99 जा 81, 66 जा 36, 111, 2244 जा 16, 99 जा 81 और 14 जा 196। ये मेरे इन सबके स्क्वायर रूट आ गए। इन स्क्वायर रूट की वापस टोटल कर लूँगी, वो कहलाएगी समेशन डी स्क्वायर वाई,
जब मैंने इसकी टोटल ली तो ये निकल करके आ गई 751। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 12 को मुझे माइनस के 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो निकल करके आ जाएगा मेरा 168। फिर माइनस के 12 को माइनस के 10 से करना है 120, माइनस के 9 को माइनस के 7 से करना है 63, उसके बाद माइनस के 6 को माइनस के 4 से करना है तो 24, 1 को 0 से करना है 0, 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2, सॉरी यहाँ भी जब 31 में से 31 गया तो 0 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब 4 को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 24, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे क्या है 9 है और यहाँ पर है मेरे 12, तो 12 9 जब 108, और यहाँ पर मेरे 14 और यहाँ पर 17, तो 238 मेरा आंसर आया। मुझे इन सब की टोटल करनी पड़ेगी, वो टोटल मेरी कहलाएगी समेशन डी एक्स और डी वाई, क्योंकि यहाँ कल्पित माध्य से निकाला गया था इसलिए ये आ गई 745। अब आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एक्स बार को टेली कर लीजिए कि रियल में आपका एक्स बार क्या निकल करके आया है। तो यहाँ पर एक्स बार का फॉर्मूला बिल्कुल दूसरा लगेगा, क्योंकि आपने कल्पित माध्य माना है इसलिए सबसे पहले ए आएगा, समेशन डी एक्स अपॉन एन आ जाएगा, और फिर आप निकालोगे तो कल्पित माध्य, इसमें मैंने 33 को माना था तो 33, उसकी जो टोटल आई थी आपकी प्लस ये थे आपके 5, यहाँ पर ये देखिए ये आपका क्या था 5 था, तो ये 5 निकल करके आ जाएगा, और n जो थे आपके 10 डिजिट थे, इस हिसाब से निकल करके आ जाएगा 33.5, ये x बार निकल करके आ जाएगा। अब आपको निकालना है y बार, तो y बार के लिए भी आप वही फॉर्मूला लगाओगे कि a प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन एन निकालोगे, इसका कल्पित माध्य मैंने 31 माना था तो 31 अपॉन, यहाँ पर ये आपके माइनस के थे, यहाँ पर ये क्या आया था माइनस का 15 आया, तो आप माइनस के 15 लिखोगे, और माइनस के 15 और वही 10 है आपका n, तो यहाँ पर ये इसमें से माइनस हो जाएगा 31 में से, तो निकल करके आएगा 29.5। अब आपको इससे वापस उसी स्टाइल से फार्मूला लगा करके क्वेश्चन जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले निकलेगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा समेशन डी एक्स स्क्वायर, समेशन डी एक्स स्क्वायर और समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और अपॉन एन निकाल करके आप इससे सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आया था अपना 183। यहाँ पर समेशन डी एक्स स्क्वायर, तो समेशन डी एक्स स्क्वायर इसको डी एक्स स्क्वायर मानेंगे और इसको डी वाई स्क्वायर मानेंगे, ये था 783, तो 783 की वैल्यू लिख दोगे, एन वही 10 था, उसके बाद समेशन डी एक्स स्क्वायर ये अपने क्या था 5 था, तो 5 अपॉन 10, और इस स्टाइल से इसको सॉल्व कर करके एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, और उसको सॉल्व कर करके जो है वो हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो था ये क्वेश्चन था आपका, इन दोनों का आपको एस के बीच का जो है वो आपको निकालना है, इन दोनों हस्बैंड का कॉफिशियंट निकालना है, कॉरिलेशन का निकालना है। कॉरिलेशन से पहले यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके और फिर आप उसका कंपैरिजन कर करके और फिर उसको कॉरिलेशन को निकालेंगे। ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा रही हूँ। जिस स्टाइल से हमने एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसी स्टाइल से हम वाई का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन का वही फॉर्मूला है समेशन डी वाई अपॉन एन, और उसके बाद है समेशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था आपके पास, पीछे क्वेश्चन में देखते हो तो 751 था, यहाँ पर ये 751 था, तो ये 751 लिख दिया, एन 10 था, उसके बाद ई डी स्क्वायर जो था वो माइनस के 15 आया था, तो आप यहाँ माइनस के 15 लिख दो, एन लिख दो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। तो एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 8.8 एक्स का बता रही हूँ, और इस वाई को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो वो निकल के आया 8.5, और ये 8.3 समथिंग निकल करके आया। तो हमें इन दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है वो कंपेरिजन कर करके निकालना पड़ेगा कि रियल में ये जो है उसका आंसर आएगा कि यहाँ पर जो कॉरिलेशन है इन दोनों के बीच में वो 9.99
परसेंट्स का जो निकल करके आया। तो इस स्टाइल से आप स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से भी कॉरिलेशन जो है वो उन दोनों के बीच का निकाल सकते हो, वरना आप अपना वही फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपने पहले लगाया था कि आप इस स्टाइल से केवल मात्र कल्पित माध्य मान करके और आप ये भी निकाल करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमने दोनों के समांतर माध्य अलग अलग निकाल लिए हैं।